हेलो भाई, वेलकम टू टोसर जी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बता दो कि आपको ये बहुत दिनों बाद आपको कोई मैच देखने को मिल रहा है, वो भी इंटरनेशनल मैच, श्रीलंका टूर ऑफ बांग्लादेश तो 2021 का, जो कि 23 मई को खेला जाएगा। तो वीडियो को लास्ट अंदर देखना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, टीम इलेवन, टीम प्लेइंग इलेवन क्या रहने वाला है, आपको की प्लेयर्स किस किस प्लेयर्स को अपने टीम में लेना है, बाकी सारे आपको डिटेल्स एनालिसिस यहाँ पे मिलेंगे। वीडियो को एक भी सेकंड मिस मत करना। फर्स्ट ओडीआई मैच है, आपको बता दो कि तीन मैचों का सीरीज है, वो तीनों एक ही स्टेडियम पर ढाका में खेला जा रहा है, शेरे बांग्ला स्टेडियम में। तो ये फर्स्ट ओडीआई। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात कि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ज्वाइन कर लेना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यही हमारा टेलीग्राम का पहचान होगा, तो आप ये नंबर देख के ही ज्वाइन करना, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही आप हमारे ओरिजिनल टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। तो चलो बात करते हैं मैच की। तो 23 मई को संडे को खेला जाएगा, 12:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, टाइम भी सही है, आपको दिन का समय है। और वही बात करते हैं, आप इस मैच को लाइव देखना हो तो फैन कोर्ट पर देख सकते हो। तो वेन्यू आपको शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका में खेला जा रहा है। मौसम तो क्लियर रहेगा, क्लियर वेदर रहेगा, हालांकि रेन आपको तीन मैच में एक मैच में आपको मिलेगा, लेकिन पहला मैच ओडीआई क्लियर वेदर के साथ होगा। पिच रिपोर्ट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है पिच एनालिसिस, पिच क्या है। तो अभी तक इस पिच की बात करो तो 110 मैचेस खेले जा चुके हैं। फर्स्ट बैट यहाँ पे 50 विन हुई है, 59 यहाँ पर एवरेज, जो कि सेकेंड बैट विन हुई है, बाकी एक टाई रहा है। और आपको यहाँ पे ज़्यादातर मैच चेसिंग करते हुए नजर आई है टीम। और आपको बता दें कि ज़्यादा स्कोर ने 55% का रेशियो को लेके सेकेंड बैट विन करते आई है। वही बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो कि फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 227 है और सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर 197 है। आपको यहाँ पे देखोगे कि जो कि हाईएस्ट स्कोर है इंडिया ने बनाया है 370, इस पिच पे लोएस्ट रिकॉर्ड आपको वो मैच याद होगा 100 के अप्रोक्स इंडिया ने बनाया था, 104 या 5, जिसे डिफेंड भी किया था और 58 पे ऑल आउट किया था। तो ये स्कोर है लोएस्ट अभी तक का रिकॉर्ड, हाईएस्ट स्कोर 330 चेस हो चुका है इंडिया और पाकिस्तान का मैच में। और जो कि आपको बता दें कि तो मैच एक एवरेज स्कोरिंग मैच होने वाला है इस पिच पे। और फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर देखोगे तो 230 से 260 के बीच रहने वाला है, इसके आसपास ही रन रहने वाला है। दोनों टीम बात करते हैं तो दोनों टीम का बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है, श्रीलंका का बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन आपको सेकेंड बैट करते हुए यहाँ पे टीम जो भी टॉस विन करेगी नजर आएगी। विकेट थोड़ा फ्लैट और स्लो है तो स्पिनर को बहुत ही यहाँ पे मदद मिलने वाले है। इनिशियली थोड़ा बाउंस मिलेगा पिच में, तो पेसर फर्स्ट इनिंग में जो कि बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे वो इफेक्टिव साबित होंगे विकेट लेते हुए, बाकी आपको स्पिनर यहाँ पे ज़्यादा विकेट लेंगे। बांग्लादेश की बात करें टीम न्यूज में, तो तामिम इकबाल स्क्वाड को लीड कर रहे हैं, तो साकिब अल हसन अपना जो कि इंटरनेशनल वापस कर रहे हैं जो कि बैन लगा था, तो लिंडन दास, सोमेश्वर का, मेहदी हसन माफ कीजिएगा, जो कि स्क्वाड में अवेलेबल रहेंगे सिलेक्शन के लिए। वही श्रीलंका बात करें, कुशल परेरा लीड कर रही है और श्रीलंका अपने यंग प्लेयर्स को यहाँ पे ऑप्टेड मतलब चुन रही है एक्सपीरियंस के ऊपर, जो कि एक्सपीरियंस प्लेयर हैं उनके जगह पे यंग प्लेयर को मौका दे रही है। तो देखना होगा, श्रीलंका का रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है, बांग्लादेश को तो देखना होगा ये कैसा सीरीज जा रहा है। हेड टू हेड टोटल मैच आपको बात करें तो 48 अभी तक खेले जा चुके हैं दोनों में ओडीआई, और बांग्लादेश ने 7 जीता है और श्रीलंका 39, यानी विनिंग परसेंट देख सकते हो 82% के अप्रोक्स श्रीलंका का है ओडीआई में। लेकिन ये टीम आपको, बांग्लादेश भी अच्छी टीम है, एक स्ट्रॉन्ग टीम है, वही बात करते हैं श्रीलंका भी एक एवरेज टीम है, तो देखने को अच्छा मैच मिलेगा इस ये मैच। बाकी रिसेंट फॉर्म में देखोगे तो दोनों टीम अपना लास्ट सीरीज के तीन मैच ओडीआई सीरीज लास्ट जो कि जब भी भिड़ी थी आपको वेस्ट इंडीज से दोनों टीम भिड़ी थी, दोनों हारी थी, बाकी श्रीलंका अपना जीती थी और बांग्लादेश वेस्ट इंडीज से खेली थी जो कि जीती थी। प्लेइंग इलेवन देखोगे बांग्लादेश की तरफ से जो कि तामिम इकबाल, लीग के सोमेश्वर का, साकिब अल हसन, मोहम्मदुल्ला, मेहदी हसन, और आपको यहाँ पे मुशफिकिर रहमान विकेट कीपर सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, विकेट कीपिंग यही करेंगे। लिंटन दास भी अवेलेबल रहेंगे, मुशफिक हसन या मोहम्मद सैफुद्दीन दोनों में से एक प्लेयर खेलते हुए नजर आएंगे, मुशफिकिर रहमान और वही तस्कीन अहमद और मोहम्मद सैफुद्दीन। वही श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका में अगर प्लेइंग इलेवन की बात करते हैं तो कुशल मेंडिस, कुशल परेरा, निरोशन डिकवेला, धनुष
धनुषा का, गुंतिल का, धनंजय डी सिल्वा, धनुष सना का, इसरू उड़ाना, वैंडु हरसंगा, अकेला धनंजय, लक्ष्मण संग्रज या चमिका करू रत्ने या दुष्मानता चमीरा, ये प्लेइंग इलेवन में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। की प्लेयर देखोगे बांग्लादेश की तरफ से मुशफिकुर रहीम, जो कि आपको प्लेइंग इलेवन डीम इलेवन टीम के लिए या कोई भी फैंटेसी आप खेलते हो तो वहाँ पर जो दिया गया है उससे आपसे रिलेटेड ये सब प्लेइंग इलेवन लेके चलना। बाकी मुशफिकुर रहमान, तमीम इकबाल, सौम्या सरकार, साकिब अल हसन, मुशफिकुर रहमान और मोहम्मद सैफुद्दीन। मुशफिकुर रहमान को बहुत अच्छा बॉलिंग करते हुए आप आईपीएल में भी देखे होंगे, जो कि राजस्थान की तरफ से खेले थे। श्रीलंका की बात करें, कुशल परेरा, धनुषंगा, गुंतिलका, दी सिल्वा, वैंडु हरसंगा और दुष्मानता चमीरा, अकेला धनंजय, ये प्लेइंग इलेवन में ले लेना। बाकी आपको फिर से मैं बोलूँगा कि जो कि जो भाई डीम इलेवन से रिलेटेड इंक्वायरी में है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है अपने टेलीग्राम का, डीम इलेवन का, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। हमारा जो कि टेलीग्राम चैनल है उसका ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो ध्यान में रखना फर्जी चैनल से बच के रहना और ज्वाइन होना हमारे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल पे। अब चलो बात करेंगे डीम इलेवन टीम आपको कौन कौन से पिक करके चलना है। तो बात करते हैं डीम इलेवन में, मुशफिकुर रहीम और कुशल परेरा दोनों विकेट के सेक्शन में आप जा सकते हो। बाकी रहीम की बात करें, रहीम आपको एक मतलब एवरेज बैटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, उतना कोई खासा नहीं, दो तीन मैच है तो एक मैच में अच्छा परफॉर्म करते। बाकी कुशल परेरा का क्लास अलग ही है, तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करूँगा विकेट के सेक्शन में परेरा के साथ जाओ आप। बैट्समैन में बात करो, तमीम इकबाल, गुंतिलका और सौम्या सरकार। बाकी आपको डी सिल्वा भी अवेलेबल है, महमूदुल्ला भी अवेलेबल है, कुशल मेंडिस भी खेलते हुए नजर आएंगे, तो ध्यान में रखना इन सब तीन। लेकिन बैट्समैन इनफ है, ओडीआई फॉर्मेट है, आपको ऑलराउंडर सेक्शन में भी जाना होगा, बॉलर सेक्शन को भी अच्छे से पिक करना होगा, क्योंकि एवरेज यहाँ पर टीम आपको ओडीआई में परफॉर्म करते हुए नजर आएगी दोनों टीम, साकिब अल हसन और वैंडु हरसंगा। तो ये आपको दो की ऑलराउंडर सेक्शन में ले लेना। इसरू उड़ाना के साथ भी जा सकते हो, लेकिन मेरे दोनों पिक रहेंगे साकिब अल हसन और हरसंगा। बाकी बॉलर की बात करें, रहमान, दुष्मानता चमीरा, अकेला धनंजय और मोहम्मद सैफुद्दीन। तो ये प्लेइंग इलेवन के लिए चार आपको लिए, टी अहमद भी अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, तो जा सकते हो। लेकिन ये चार जो कि बॉलर दे रहा हूँ क्लास बॉलर है और इनके साथ ही जाओ। बाकी टीम प्रीव्यू में कैप्टन बात करो तो कैप्टन मेरा फर्स्ट पिक रहेगा कुशल परेरा के साथ जाना, वाइस कैप्टन साकिब अल हसन। बाकी आपके पास अदर ऑप्शन भी, गुंतिलका एक अच्छे परफॉर्मर है, गुंतिलका ओपनिंग आएंगे और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो इनके साथ भी जा सकते हो। साकिब अल हसन थर्ड डाउन में आऊँ कि बैटिंग करने और बॉलिंग भी करेंगे, तो इसलिए मैं साकिब अल हसन को वाइस कैप्टन यहाँ पर बनाना चाहूँगा। तो ये आपका डीम इलेवन टीम रहा, और वैंडु हरसंगा भी वाइस कैप्टन ऑप्शन में ले सकते हो। तो डीम इलेवन टीम रहा, बाकी आपको अपडेट हमारे सारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे दोस्तों।